गवर्नमेंटल रेगूलेट्री मयर्स जब हम बात करते हैं गवर्नमेंटल रेगोलेटरी मैर्स की तो बेसिकली बेसिकलीस मैर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वन मार्केट्स आर ऑपरेटिंग अंडर इम्परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जो भी आप कह लें रेगुलेटरी मैर्स यूज किया जाए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इनक्रीज दैलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी और उस वेलफेयर की मैयरमेंट के लिए हमने कंज्यूमर सरप्लस की बात की थी प्रोड्यूसर सरप्लस की बात की थी फिर हमने बात की थी अबाउट टोटल इकोनॉमिक सरप्लस की लेकिन जब आपकी मार्केट इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है इट रिजल्ट इन डेड वेट लॉस अब इस इंपरफेक्ट कंपटीशन के जो डेड वेट लॉस हो रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए देर आर डिफरेंट मैर्स दैट कैन बी अडोप्टेड बाई गवर्नमेंट जब आप उन गवर्नमेंटल रेगुलेटरी मैयर्स की बात करते हो

इंप्रूवमेंट ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स किस लिए की जाएगी टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू इंक्रीज दू इंक्रीज दीपल लिविंगुलर सोसाइटी टू इंक्रीज दर ऑफ दीपलर सोसाइटी ये लेजिस्लेटिव एक्ट आप रेगुलेट कर, फॉर्मुलेट करते हो टू में फॉर देंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स अब यहां पर किस तरह का लेजिस्लेटिव एक्ट फार्मूलेट किया गया जी देर इज सम प्रोहिबिशन ऑफ दिस स्लाटरिंग ऑफ हीफर्स के जो आपके पास यंग फीमेल फीमेल्स हैं यंग फीमेल एनिमल्स हैं जो उनको प्रोहिबिट किया गया है फॉर दिस दिसरिंग जब आप प्रोहिबिट करोगे तो ये क्या करेगा अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस टू हैव मोर बीफ एनिमल्स अगर आप इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही को आप कह लें स्लॉटर कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि देयर इज नो बीफ एनिमल्स तो उस चीज को आप कह लें सस्टेन करने के लिए एक्ट क्या बना कि देर शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटरिंग ऑफ हीफर्स फिर इसी पैटर्न पे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स टू टेक केयर अबाउट द लोकल फार्मर्स देर इज सम टाइप ऑफ द टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हाँ जी किस तरह ये करोगे अगेन थ्रू लेजिस्लेटिव एक्ट्स के थ्रू फिर इसी पैटर्न पे देयर आर सब्सिडीज ऑन फार्मिंग इम्पोर्ट जिस फार गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे फार्मर्स को किस चीज़ पे जिस फर्टिलाइजर पे दे सकती है पेस्टिसाइड पे दे सकती है इंसेक्टिसाइड पे दे सकती है हाँ जी एक और भी हम करते हैं कि देयर इज लो इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ फॉर एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स तो ये सब क्या है दीज आर द लेजिस्टिव एक्ट्स जो आपके फैसिलिटेट करेंगे एक ऐसी मार्केट को जिसमें आप कह सकते हो देर आर समर्फेक्ट कम्पिटिशन वो इम्परफेक्ट कंपटीशन किस एंड पे है मैं कह सकता हूं दैट इम्परफेक्ट कंपटीशन इज एट द एंड ऑफ बाइंग दर सेलिंग हां जी फिर यहां पे आप कह लें देर आर डिफरेंट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मर्स जो आप आपके लेजिस्लेटर्स को इन्फ्लुएंस करती है कि दिस टाइप ऑफ द पॉलिसी इज एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कि जो ये जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मर्स हैं ये आपके प्रॉपर रेगुलेशन फॉर्मुलेट करने में हेल्प आउट करती हैं अब अगर मैं इसी चीज को डिस्कस करूं कि जो भी हम रेगुलेटरी फ्रेम की बात करते हैं कि फार्मर फेसेस की अगर मैं शुगर केन की बात करूं विद रेफरेंस टू शुगर केन बायर्स दे आर आर फ्यू शुगर केन बायर्स वो शुगर केन बायर्स में यहां पे कौन से ले रहा हूँ शुगर मिल्स कि अगर मैं शुगर मिल्स के नंबर की बात करूं देर आर फ्यू नंबर ऑफ शुगर मिल्स अब देर इट रिक्वायर्ड सर्टन टाइप ऑफ द रेगुलेशन इन शुगर इंडस्ट्री हाँ जी किस टाइप की तो वो रेगुलेशन टाइमली भी हो रही है कि नहीं के पे शुगर केन मिल मिल ऑनर क्या करते हैं दे यूजली डू नॉट मेक अ टाइमली पेमेंट बट थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे आर बाउंड टू पे मेक अ टाइमली पेमेंट टू द फॉर्मर लेकिन अगर हम यहां पे बात कर लेंगे देर इज नो रेगुलेशन इन कैन ऑफ रेगुलेशन शुगर पिल ऑनर्स ऑपरेटिंग अंडर ऑलिनी हाँ जी परफेक्ट कंपिटिशन है दे कैन सेट द प्राइस ऑफ शुगर कैन लो देन द मार्केट प्राइस हाँ जी ऑली गॉपनी में है ना तो वो लेस क्वांटिटी ऑफ इनपुट भी बाय करेंगे प्राइस भी कम पे करेंगे फिर इसी पैटर्न पे दे यूज दे कैन यूज द डिले एक्टिक्स इन पेमेंट्स और ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय कैरिंग आउट रेगुलेटरी मैयर्स और वो रेगुलेटरी मैर्स किस रेफरेंस में है दैट इज बाई फार्मुलेटिंग प्रॉपर लेजिस्लेशन ये जो प्रॉपर लेजिसलेटिव आप कह लें एक्ट्स हैं उनके थ्रू हम इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं